हेलो बच्चों, चलिए आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में एक कक्षा 11th में बीकानेर जिले में जो आज हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है उसका वीडियो है ये। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए जो आपके पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास में MCQs का घर की याद कविता के रचयिता हैं, तो इसके आंसर है आपके पास में भवानी प्रसाद मिश्र। गजल शीर्षक कविता में संदेश दिया गया है जन जागृति का, दुष्यंत कुमार की जो है गजल। मियाँ नसरुद्दीन नान भाइयों के माने जाते हैं मसीहा। मसीहा आंसर है इसका बच्चों। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखकर भी निष्क्रिय रहती है, अवतार सिंह पाश की कविता। सबसे खतरनाक भारत माता पाठ संकलित है हिंदुस्तान की कहानी से। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, इस कथन में निहित है जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का, तो इसका है व्यंग्य। कुई की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, चेलवान जी। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करती थी मधुरा भाव से और दास्य भाव से, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो दास्य मीरा हमेशा दास्य भाव की उपासना उपासक थी, तो वो दास्य भाव की भक्त थी। फिर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, कार्यालय पत्र शैली में लिखे जाते हैं, तो कार्यालय पत्र कौन सी शैली में लिखे जाते हैं, ये आपके पास में अन्य पुरुष शैली, यहाँ पर आपके पास में आंसर आना है बच्चों अन्य पुरुष शैली। फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ में सूचनात्मक भी होने चाहिए। सेकंड में आपके पास में खाली स्थान में आएगा सूचनात्मक। देश दुनिया में घटने वाली घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कहलाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक, यहाँ पर दोनों ही लिख सकते हैं। आलेख अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का प्राय है। समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखित लेख को संपादकीय कहते हैं, यहाँ पर संपादक आएगा। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यहाँ पर फलदार आएगा। दुष्यंत कुमार की गजल काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर है साय में धूप से ली गई है, जो उनका गजल का संग्रह है वो है, उसका नाम है साय में धूप। नेहरू जी एक जलसे से दूसरे जलसे में अपने सुनने वालों से भारत देश की चर्चा किया करते थे, भारत की चर्चा किया करते थे, ठीक है। ये तो ये आंसर हो गया आपके पास में। हम देखिए निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताना है। मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका की गुफाओं में प्राचीन जो चित्र कलाओं के प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल सही। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए सेंटीमीटर शब्द का उपयोग होता है, गलत। रेजा का उपयोग किया जाता है। कवि सबसे खतरनाक स्थिति मुर्दा शांति से भर जाने को मानता है, बिल्कुल सही है। हट्टे कट्टे जाट किसान ने भारत की धरती को भारत माता बताया है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये सही है। फिर लता मंगेशकर विलायत खान की पुत्री थी, गलत है ये, ठीक है। फिर पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशन से सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, बिल्कुल सही। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर माली सबसे पहले सेक्रेटरी के पास गया, नहीं, ठीक है। वो कहाँ गया, आपके पास में चपरासी के पास में। फिर हिंदी में गजल की विधा को अपनाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ये, इसका हो जाता है आपके पास में सही। फिर आपके पास में आता है देखिए उत्तर एक एक पंक्ति में दीजिए, लॉर्ड कर्जन कौन था, तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत में जो थे वो ब्रिटिश सत्ता के वायसराय रहे थे। जामुन का पेड़ कहानी पर किस में व्यंग्य किया गया है, लाल फीता शाही विवेकहीनता और संवेदन शून्यता पर व्यंग्य किया गया है। घर की याद कविता में कवि ने संदेशवाक किसे बनाया है, सावन के बादलों को, सावन में जो आते हैं वो बादल, उनको संदेशवाक बनाया है। ना कहो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ऐसा कौन लोग सोचते हैं, उदासीन संतोषी लोग ऐसा सोचते हैं कि ना हो जब कमीज तो पाँव से पेट को ढक लेंगे, अंधेपन की भाप पर ढुलकना से कवि का क्या आशय है। फिर आपके पास भी पाँचवा आता है गद्यांश, गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके उत्तर देने हैं। ये देखिए आप गद्यांश पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपके पास में समाचार लेखन से में के छह ककारों को बताइए, समाचार लेखन के छह ककार कौन कब क्या कहाँ कैसे, ठीक है ना, ये होते हैं जिनको ध्यान में रखकर के आपको समाचार लिखना होता है। यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, इसमें किस स्थिति को संकेत किया गया है, तो शासन की सत्ता की उदासीनता की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। चिजारों के साथ गाँव में गाँव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ में राजस्थान के रजत बूंदों से। भारतीयों की आंखों में चमक कब एवं क्यों आ जाती है, भारत माता पाठ के आधार पर भारतीय कला का जुड़ाव प्रकृति से है, स्पष्ट करें। दबा हुआ आदमी कवि है यह बात कैसे पता चले, इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, रजनी अमित के स्कूल क्यों जाना जाती थी, रिपोर्ट की परिभाषा प्रमुख तत्व, चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। जामुन का पेड़ कहानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करो। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। निबंधात्मक प्रश्न में 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वे आंखें कविता का मूल भाव,
गर्कियात कविता में पिता की किन विशेषताओं को उकेरा गया, यानी कि पिता के चरित्रगत विशेषताएं बतानी है। नमक का दारोगा में आलोपी दिन, पंडित आलोपी दिन के चरित्र की प्रमुख विशेषता बतानी है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, वो चलते हैं एक बार, ये सारा का सारा जल्दी चली गई है पीडीएफ। तो अब देखते हैं आपके पास में, जिला शिक्षा अधिकारी पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालनू में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना, या तो ये लिखें आप, या फिर ग्राम पंचायत क ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर अभसर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखने हैं। फिर संपादकीय की परिभाषा लिखते हुए उसके स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, नवा क्वेश्चन है और इसमें अथवा है। असुरक्षित महिलाएं विषय पर एक संपादकीय लिखना है। फिर निबंध है आपके पास में तीन, एक किसी भी ऊपर भी निबंध लिखनी है। कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी, मोबाइल की लाभ हानियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार से आपके पास में 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन में जो छोटे छोटे ऑप्शंस के सहित तकरीबन आपके पास में 45 से 50 क्वेश्चन बैठते हैं छोटे छोटे करके, और ये सारे आपके पास में आ जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।